नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। हमें ये बताना है कि जो 60 तक की विषम प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा। तो पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं कि संख्या कौन कौन सी होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, एक होगी, तीन होगी, पांच होगी और ऐसे ही कहां तक होगी, 59 यानी 59 तक ये संख्याएं होगी जो कि 60 तक की विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसमें एक श्रेणी बन रही है जिसमें प्रथम पद ये होता है ए, और ए बराबर कितना निकल रहा है, एक, क्योंकि पहला पद क्या है, एक है। फिर दूसरी चीज होती है इसमें अंतिम पद, तो अंतिम पद एल होता है जिसको एल मानते हैं। एल बराबर क्या निकल के आया, 59। और एक होता है कि इसमें अंतर कितना है, इसको बोलते हैं सार्वांतर, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो अंतर कितने का है, अंतर सब में दो दो का है, यानी एक में दो जोड़ेंगे तीन, तीन में दो जोड़ेंगे पांच, ऐसे ही मिला के अंतर कितने का है, सब में दो दो का अंतर है। ठीक है, तो यह तीन चीजें आपको पता चल गई, पहला पद, अंतिम पद और सार्वांतर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बा पद ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, क्योंकि हमें अभी एन की वैल्यू इसमें पता नहीं है। ठीक है, कि एन की वैल्यू कितनी है। अब टी एन बा पद यानी अंतिम बा पद कितना है, 59। ए यानी पहला पद कितना है, एक, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दो है। अब एक इधर आ जाएगा तो 59 में से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का एक है, कितना बचेगा, 58 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दो इधर आ जाएगा तो गुणा में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस वन बराबर क्या बचेगा, 58 बटे दो, दो से काटेंगे क्या आएगा, 29। तो n बराबर निकालेंगे, माइनस के एक साइड चेंज होगी तो प्लस का एक होके जुड़ जाएगा, तो हमारी n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू 30 निकल के आ गई, यानी टोटल संख्याएं कितनी हुई, 30 हुई। अब इन सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू और ए प्लस एल। ठीक है, यानी संख्या जितनी हो उसमें दो का भाग लगाएंगे और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, संख्याओं की संख्या कितनी निकली, 30 बटे में क्या करेंगे, दो, पहला पद था एक, अंतिम पद था 59। ठीक है, दो से काटेंगे 15 आएगा और 59 एक 60 हो जाएगा, तो 15 गुणा 60, 15 छिका 90 बराबर क्या हो गया, 900 हो गया, यानी इन सभी संख्याओं का योग है 900 और संख्याओं की संख्या कितनी है, 30। तो हमारा जो औसत का फॉर्मूला होता है वह हम लगा देंगे, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकल के कितना आया, 900, संख्याएं कितनी निकल के आ गई, 30, 30 से काटेंगे 0 से 0, 3 त्रिका 9 और 0, यानी औसत निकल के कितना आ गया, 30। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकल के कितना आया, 30 आया। ठीक है, ये तो हमने पूरा एक लॉन्ग मेथड से समझा, इसकी एक शॉर्ट मेथड भी होती है। शॉर्ट मेथड भी क्या होती है कि अगर क्रम से एक से लेके हमको विषम संख्याएं दी हो और क्रम से दी हो तो जितनी संख्याएं हो यानी एन की वैल्यू जो भी निकले वही उसका क्या होता है, वही उसका औसत होता है। तो यानी इसका औसत कितना निकलना था,
30 निकलना था, जबकि संख्याओं की संख्या कितनी थी? 30 थी। अगर संख्याओं की संख्या 5 होती तो औसत कितना आ जाता? 5। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि विषम प्राकृत संख्याएं हों और सीरियल से हों, यानी 1, 3, 5, 7 जितनी भी हो, जितनी से उसकी संख्या होगी वही उसका औसत होगा। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।